यार सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कसम से मैं आप सब लोगों को एक फैमिली की तरह समझता हूं, क्योंकि आप एक तो टीएलपी को सपोर्ट करते हैं मैं इस वजह से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली की तरह समझा। मैंने कभी किसी को अलहदा समझे नहीं, कोई तनकीद करता है या कोई भी कुछ कहता है, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और क्योंकि आप हमारे लबैक वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कभी भी इस तरह महसूस नहीं किया। तो आप सब लोगों को मैंने एक फैमिली की तरह ही समझा कि अगर मुझे कोई मुझे पोस्ट शेयर करने का बोलते या कुछ भी कोई बोल देता है, मैं वो उसका बिला झिझक कर देता हूँ और एक फैमिली की तरह मैं आपको समझता हूँ, ये सच्ची बात है। अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार बेदहानी में कल मैंने एक जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड की थी। असल में एक्चुअली हुआ यूँ था कि मुझे ना जब मैं वीडियो क्रिएट करने लगा था, उससे पहले मैं साद भाई के ये बताने वाला था कि मस्जिद में रहमत अली आलमीन में साद भाई ने जो जिस तरह से फरमाया कि 27 तारीख वाले दिन सब ने तैयार रहना और यार पूरी कौम से जाके आपने ये करना भी है, पैगाम को भी फैलाना है, और उसी वक्त में मुझे जो है वो सेंड किया हुआ था किसी ने कि मुफ्ती साहब ने भी जो है ऐलान कर दिया शटर डाउन हड़ताल का। लेकिन ये है कि देखिए हमें जो है ना वो सेंस क्लियर होना चाहिए कि उसको हम झूठी न्यूज़ नहीं कह सकते, लेकिन खुदा जानता है, मुझे नहीं था पता, मैंने वो जल्दी जल्दी में देखी तो वो मैंने जस्ट उसको तहकीक किए बगैर आप कह सकते हैं कि मैंने जल्दी वो उसको वैसे ही अपनी वीडियो में बना दिया और वैसे उसकी बात कर दी, लेकिन उसकी मैंने तहकीक नहीं की। जब मैं वीडियो अपलोड कर चुका उसके तकरीबन 2 घंटों बाद कुछ ऐसे कमेंट्स मौसूल हुए थे कि ये पुरानी है, फिर मैंने उसके मुतल्लिक जो है वो आप कह लें कि तस्दीक की और मुझे पता चला कि ये वाकई ही पुरानी वीडियो थी। तो जस्ट बात इतनी करने का मकसद है कि बेदहानी में वीडियो अपलोड इस तरह जल्दी से हो गई, तो आई अपोलोजाइज फ्रॉम ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स। तो बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि देखें तस्दीक के बगैर वो जल्दी में बेदहानी में हो गई, तो जहाँ पर हम गलत हैं उसको ज़रूर हम करेंगे कि हम गलत हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम अपने पे बात आ जाए तो कहें जी ठीक है हमने, तो ऐसा कोई नहीं, अल्लाह जानता है। मुझे नहीं था पता, मैंने बाद में चेक किया तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बाकी, तो मैं इस वजह से कोई मुझे कोई चीज़ सेंड करता है व्लॉग बनाने का कहता है तो मैं उस पर जल्दी व्लॉग नहीं करता जब तक मैं खुद वो इकट्ठे ना कर लूँ प्रूफ उसके मुतालिक, लेकिन वो जल्दी में हो गया तो इसके लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार चलें बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एहतियात भी करते रहेंगे, तहकीक से वैसे भी मैं करता हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसा ही करना होता तो जिस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं उनकी मोहब्बत है जी अच्छे करें बुरे करें वो आप पे है, तो बस ये है कि अगर मैंने कुछ ऐसा करना होता तो भाईजान मैं जस्ट इतनी बात करूँगा कि जब साद भाई जेल में थे उन दिनों में भी हम ये सारा कुछ कर सकते थे, मैं कर सकता था, सीधी सी बात है, लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हम भी कर सकते थे, लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं किया, जो साफ बात थी मैं वो कर देता हूँ, और मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि जो भी ज़रूरी बात होती है मैं पहले मिनट में 1-2 मिनट में कर देता हूँ, मैं मज़ीद उसको आगे लेकर नहीं जाता, तो बस मैं बात तो आपको पहले मिनट में बता देता हूँ कि आधे 1-1.5 मिनट में अगर किसी की मतलब वो जल्दी से न्यूज़ सुनना चाह रहा है सुने और अपना कोई और काम कर लें, वीडियो वैसे अगर कोई नहीं मुकम्मल देखना चाहता तो वो उन पर है, क्योंकि हर बंदा ही वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको काम ही बड़े होते हैं, हम भी तो इधर वेले नहीं बैठे होते, काम ही होता है हमें भी, लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं, ये आप सब लोगों की मोहब्बत है। बाकी मैं फिर ये बता दूं कि देखिए वो पूरे उम्मत मुसलमा के जो लोग हैं और कराची हो या पिशावर हो या पंजाब हो पाकिस्तान के हर ज़िला से अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम की आवाज़ पर लोग लबैक कह रहे हैं, ठीक है, वो ताजर बरादरी हों या हमारे उलमाए इकराम हों, अभी तो देखिए आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमेशा तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ रहे हैं और वो कभी भी साद हुसैन रिजवी के बयान को नहीं कहेंगे कि इन्होंने ये किया वो किया, वो हमेशा साद भाई की जो है वो आवाज़ पर लबैक कहेंगे, और कराची भी इंशाल्लाह पूरा बंद होगा ऐसी बात नहीं है, ताजरों से तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले मुलाकातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान कराची जो है वो भी बंद होगा, इस बात की टेंशन ना लें। बाकी यार पैगाम अभी भी वही है कि आप सब लोग भी 27 फरवरी वाले दिन जो भी आपका काम है कारोबार है आप उसको ज़रूर बंद करें, शटर डाउन हड़ताल में साद भाई का साथ दें और इस पैगाम को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ कि हमने पाकिस्तान को बंद करने है। और एक और मैं बात आपको बता दूं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो को अक्सर हर एक तो नहीं मैं क्लेम करता लेकिन अक्सर जो है ना साद भाई भी और अनस भाई हौसला अफजाई फरमाते रहते हैं, तो 1-2 दफ़ा साद भाई ने भी जो है वो देखी हुई हैं, तो ये अल्लाह ताला का करम है साद भाई की है, तो ये है कि वो भी अक्सर साद भाई के साथ मैं लिंक भी शेयर उनको कर देता हूँ किसी भी जो वीडियो कोई मुझे अच्छी लगती है, तो
बस यही है कि कुछ बातें भी होती हैं जो मैंने कभी नहीं बताई। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब जो न्यू आ गए हैं बेचारे, तो बाकी वो भी जान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कुछ बातें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर इस तरह नहीं कर सकते, तो बस मैं यही कहूँगा कि यार बाकी उस वीडियो के लिए मैं फिर लास्ट पर यही माजरत कर रहा हूँ आप लोगों से कि वो जल्दी जल्दी में मैंने किया और वो आप लोग समझ लें कि बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही अपलोड होगी। बाकी जो है मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।